आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया का जो नया रीब्रांड आया है VI, उसके बारे में क्या इम्पैक्ट होगा वोडाफोन आइडिया शेयर पर इसका, और कस्टमर किस तरह से इसको नई एंगल से देखेंगे। इसके साथ में हम आपके लिए स्पेसिफिकली लेके आए हैं 5G बोनेंजा, एक स्पेशल न्यूज जो अभी 2 घंटे पहले उनके CEO द्वारा पब्लिश हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के आज के भाव से। तो अगर चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो जहां हमने रिकमेंडेशन की बाय दी थी आपको आज मिल जाना था, 9.25 रुपए के आसपास हमने पहला लॉट खरीदने को बोला था अपने पुराने वीडियोस में। अगर आपको खरीदा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां से बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है स्टॉक का, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बताई है तो आपको बताना कि क्या हुआ, आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। तो वैसे एक देखा जाए तो एक डॉजी कैंडल बनी है, ऊपर विक्स, नीचे विक्स और बहुत छोटी बॉडी है, तो काफी सही डॉजी बनी है जिसको आगे देख सकते हैं कुछ फंडामेंटल वैल्यूएशन के बेसिस पर। तो अगर हम देखें एलिगेटर इंडिकेटर का पैरामीटर के बेसिस पर, तो तीनों के तीनों अब सेल सिग्नल दिखा रहे हैं, ब्लू के नीचे रेड है, रेड के नीचे ग्रीन है, पर यहां से हो सकता है आगे बाउंस बैक दिखाए क्योंकि एक बहुत अच्छी रेंज में आ गया है। 9.25 रुपए से लेकर 8.60 रुपए की जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी रेंज है इस स्टॉक के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को एक मल्टी बैगर बनाएगी। अगर आज निफ्टी का कारोबार देखें तो बहुत अच्छा कारोबार रहा, बहुत तेजी से चढ़ा, सुबह से अपनी तेज मोमेंटम उसने दिखाने की कोशिश की थी और शाम को जाते जाते थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। तो देखिए सुबह से खुला है करीब करीब यहां से और 12 बजे तक काफी अच्छी तेजी दिखाई इसने, पर उसके बाद थोड़ा सा डल होना शुरू हुआ डे, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया और बाद में जाते जाते एक्चुअली 1.5% चढ़कर बंद हुआ, जो कि एक अच्छा साइन है। 417 के ऊपर पहुंच गया, 400 के ऊपर बंद करना साइकोलॉजिकल लेवल है, 400 के ऊपर अब पहुंच गया ये स्टॉक, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा रहेगा। बैंकिंग स्टॉक ने बहुत अच्छा रुख दिखाया आज, इंडसइंड बैंक 12% चढ़ा है ऊपर और दूसरे बैंक भी काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर। अब अगर आइडिया शेयर की बात की जाए, हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ने क्लियर कट अभी भी इसका बाय मेंटेन किया हुआ है और जब तक ये 8.80 रुपए के ऊपर है ये बाय मेंटेन रखेगा दोस्तों। तो जैसा हमने बताया था अपना पहले पिछले वीडियो में 9.25 रुपए के आसपास आपको खरीद लेना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप अभी भी खरीद सकते हैं 9.25 रुपए के आसपास इस स्टॉक को। पूरी परचेस स्टडी आपको आगे बताएंगे कैसे करना है आगे का काम। तो अगर कुछ और इसमें स्टडीज ऐड की जाए, अब हम आपके लिए ऐड करते हैं यहाँ पर बुलियंजर बैंड, जो कि एक बहुत ही शानदार बैंड है, आपको आगे आने वाले टाइम के लिए बता सकता है कि क्या होगा। तो बुलिंजर बैंड को अगर देखेंगे तो बुलिंजर बैंड से आपको ये पता लगेगा कि कहीं स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में तो नहीं है, कहीं ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है। देखिए अब ये यहां जैसा लग रहा है कि बैंड पूरा एक्सपेंडेड है तो थोड़ा नैरो होना चाहिए इसको और ये नीचे की रेंज में है यहाँ पर, तो ये क्लियर कट बता रहा है कि अभी ये ओवरसोल्ड जोन में आने की कोशिश कर रहा है। यहां से रिट्रेस करके 10.70 रुपए जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ 9.25 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं, 9.25 रुपए से 8.80 रुपए के आसपास, और यहां से फिर ये अच्छा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा आपको ऊपर के लिए। तो बहुत अच्छा स्टॉक है उस रेफरेंस से देखा जाए तो। दोस्तों हमारे चैनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमने आस्क योर क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, उसमें आपका क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर देखें यहाँ पर बेसिक कैंडलस्टिक्स और ये सब टेक्निकल पैरामीटर हमने ऐड किए हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड TCS या कॉग्निजेंट में जॉब करना चाहता है तो उसके जॉब ऑफर निकल चुके हैं, अक्टूबर में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आप चाहें तो उसको जॉब के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अब अगर कुछ और पैरामीटर इसमें ऐड किए जाए हम, तो देखिए एक अच्छा पैरामीटर जो हम बताएंगे आपको वो है MACD, बहुत अच्छा पैरामीटर जो आपको आगे की सलाह पहले ही दे देता है। तो अगर MACD को देखें तो MACD ने यहां से इसको सेल सिग्नल दिया हुआ है और ये नीचे भी आ गया है, जब तक आगे आने वाले टाइम के लिए ये थोड़ा स्टेबल होके ऊपर बाउंस ना करे तब तक इसका डायरेक्शन थोड़ा नीचे ही रहेगा। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इंडिकेशन नीचे बता रहा है, पर अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के पास देखें तो ये दो रेंज बहुत अच्छी सपोर्ट की जोन है, जो कि बहुत अच्छी तरह से इसको हेल्प करेगा। अब चलकर जरा कुछ खबर की बातें करते हैं, हमारे पास में जो स्पेशल खबर है, दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन को। अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 36,000 करोड़ की कंपनी है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5% से ज्यादा पोर्टफोलियो में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। अब रीब्रांडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे थे AGM में कि रीब्रांडिंग क्यों खर्च किया इतना पैसा आगे आने वाले टाइम के लिए, आप जब आपको AGR ड्यूज है तो रीब्रांडिंग पे क्यों खर्च किया जा रहा है, तो उसका अच्छा आंसर दिया है उनके CEO ने कि ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन रहा है इससे, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है। समझिए जो बिजनेसमैन है, जो CEO है कंपनी का, वो जानता है
रीब्रांडिंग की क्या वैल्यू होती है। हमने एक स्टडी की थी यूएस मार्केट रिसर्च ग्रुप के द्वारा, जिसमें उन्होंने 10 डिफरेंट रीब्रांडिंग कंपनीज के बारे में बताया है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 30% बूस्ट होता है प्रोडक्टिविटी में। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो आपके सेल्स एजेंट है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस तरह से आपकी ओवरऑल सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीब्रांडिंग से काफी कुछ बदला जाता है साइकोलॉजिकल। आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद, जब आप इसको प्रॉफिटेबल देखेंगे आगे आने वाले टाइम के लिए, जब हमारा टारगेट अचीव होगा, तब आप समझेंगे इस बात को कि प्रोडक्टिविटी से, इसकी चेंज करने से कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है। और वैल्यू प्रपोजिशन है डेफिनेटली, आपको कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए अगर आप देखेंगे। तो अब इसमें आपको क्या समझना है ये समझाने की कोशिश करते हैं। अगर इसका आज का प्रक्रिया देखें, तो आज की 15 मिनट का चार्ट हम दिखाते हैं अभी आपको, देखिए। तो आज 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, तो सुबह से ही एक प्रेशर बना हुआ था, ऊपर से गया फिर नीचे आया 15-20 मिनट के बाद, और उसके बाद स्टेबल हो गया यहाँ पर 9.25 रुपए का हमने टारगेट दिया है। उसके नीचे कुछ टाइम रहा है, आपको खरीदने का मौका मिला है। दोस्तों ये मत कहिएगा कि आपको शेयर खरीदने का मौका नहीं मिल पाया है। दोस्तों हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्टिव ट्रेड करते हैं, और आज हमारे पेड कस्टमर को 4,000 से 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोर्टफोलियोस। अगर आप ये सर्विस चाहते हैं, महज 8,000 रुपए की फीस है पूरे मंथ की, जिसमें हम आपको हैंड होल्ड करके ट्रेडिंग कराएंगे और साथ में स्टॉक मार्केट की मेंटरिंग भी देंगे एक ही दिन में। देखिए तो कुछ लोगों का तो प्रॉफिट आज ही निकल गया सारा का सारा फीस। तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक मेल डाल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर इसकी सेल्स देखी जाए तो डेफिनेटली अभी नेगेटिव सेल्स है, और AGR का ड्यू जो उनको पे करना है अगले क्वार्टर में भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, पर आगे आने वाले टाइम के लिए आगे यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बन गया है, जिससे स्टॉक मार्केट को ग्रो करने में काफी हेल्प मिलेगी वोडाफोन को। अब चलते हैं दूसरी की इन्फॉर्मेशन के लिए, लॉन्ग टर्म बैठे ये स्टॉक क्यों कह रहे हैं, आइए समझाते हैं। आप इसको शॉर्ट टर्म की तरीके से मत देखिए, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिएगा। इनका पोस्ट प्लेन प्लान का आपको जरा समझाते हैं। जरा अगर आप ट्राय का डाटा देखेंगे, आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है हमने यहाँ पर ग्राफ फॉर्म में, तो 42% जो है पेड पोस्ट पेड जो कस्टमर है वो वोडाफोन के हैं, और ये बहुत स्टिकी कस्टमर बेस होता है। स्टिकी कस्टमर इसका मतलब, अगर आप एक बार पोस्ट पेड कस्टमर है और वोडाफोन के लगे हुए हैं, तो आप बहुत मुश्किल से हटेंगे इस प्लेन से, क्योंकि उनके वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी है। तो 42% मार्केट शेयर है, लायंस मार्केट शेयर है वोडाफोन का, इसलिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे एयरटेल आता है, जियो तो कहीं है ही नहीं तीसरे नंबर के लिस्ट में भी, और मिला के 30% होते हैं। तो ये समझिए कि इसकी जो डोमिनेंस आती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वो पोस्ट पेड कस्टमर से आती है, और आगे चलकर ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करेंगे। अब जो रविंदर ठक्कर जी हैं, जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने बताया है आज की एक्सक्लूसिव न्यूज कि इनका ब्रांड जो नया आया है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर वाइज 5G रेडी है। समझिए क्या मतलब होता है इस बात का। ये न्यूज मार्केट आर्स के बाद आई है, अब देखिएगा अगले हफ्ते क्या पॉजिटिव न्यूज बनेगी इसके साथ में। आज कल की छुट्टी रहेगी 2 अक्टूबर की, तो देखिएगा दोस्तों, अब ये स्टॉक नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, यहां से ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में सब जगह 5G की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप यूएस में कभी यूके में गए हैं, तो वहां पर ऑलरेडी 5G रेडी नेटवर्क है, सब लोगों पे 5G, सेलफोन में सब लोगों को 5G मिलता है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इनके पास में यहाँ इंडिया में अभी नहीं है, पर नेटवर्क रेडी है इनका। जैसे ही गवर्नमेंट 5G ऑक्शन करेगी, तो इनको सारा का सारा काम प्रॉफिटेबिलिटी मिलके इनको सिर्फ टर्न ऑन करना है, और देखिए क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वहां से, क्योंकि सब लोग चाहते हैं उनके पास नेटवर्क फास्ट रहे। कोई ब्रॉडबैंड नहीं लेना चाहेगा, फिर एक बार 5G आ गया तो आप अपने फोन से सारा काम कर सकते हैं। आजकल तो सब चीज मोबाइल हो गई है, तो इस वजह से ये एक अच्छा है। 5G के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं, घर को कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क आपको मिलेगा सब जगह पर, स्मार्ट होम्स है सब जगह, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कन्वर्जेशन। तो ये सब का सब बहुत अच्छा रहेगा आगे 5G के लिए, फ्यूचर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना प्लीज एक प्यार लाइक के रूप में ऐड जरूर कीजिएगा, थोड़ी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको एनालिसिस करके पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन का पास ऑन करना, बहुत थोड़ा सा एफर्ट आप अप्रिशिएट कीजिए प्लीज। तो अगर देखेंगे हमारी बाइंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, 9.25 रुपए में हमने एक लॉट बताया, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। दूसरा लॉट 8.63 रुपए पे हमने बताया है, यहाँ पर शायद मिले, जब आए तो आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरा लॉट जो आपको खरीदना है वो 7.40 रुपए के आसपास है, हमारी कोई गारंटी नहीं कि 7.40 रुपए जाएगा, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होती है। आपको 1/3 पैसा अपना बचा के रखना है 7.40 रुपए पे, अगर किसी वजह से ये स्टॉक आता है एक बार उसके नीचे, तो आपके पास पैसा होना चाहिए वहां पे आप खरीदने के लिए। अब इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII की होल्डिंग करीब करीब 8% है, और सुनने में आ रहा है कि थोड़े से स्टेक अपनी सेल करेंगे FII को बेचने के लिए, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक और तेजी से जाएगा। तो और म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग की यूएस में, और रिटेलर आप और हम जैसे लोग 10% के आसपास होल्डिंग है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इसका टारगेट
तीन साल के लिए इसका टारगेट ₹40 रख रहे हैं। बहुत अग्रेसिव टारगेट है दोस्तों, 4 गुना 3 साल के अंदर हम टारगेट बता रहे हैं, जो हमारी पूरी उम्मीद है कि आपको अचीव हो जाएगा। ये हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए दोस्तों हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका दिन मंगलमय हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए इस स्टॉक के बारे में, किसी और स्टॉक के बारे में। हम कोशिश करेंगे जरूर आपका वीडियो बनाने के लिए उस क्वेश्चन पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।